खबरों में हदम सबसे पहले हम रीवा इंडिया न्यूज़, हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। उपनगरी क्षेत्र महाराजपुर के युवाओं ने जिला कलेक्टर एवं महाराजपुर थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। पवित्र नगरी मंडला में कई वर्षों से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। यहां पर गली गली शराब बेची जा रही है, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग को अच्छी तरह से ज्ञात है। युवाओं ने अपने ज्ञापन पर लिखा कि वह यह भी जानते हैं कि इस अवैध शराब कारोबार के पीछे किन राजनीतिक नकाबपोश लोगों का हाथ है और किसकी शह पर यह नशे का अवैध कारोबार चल रहा है, जिसके कारण जिला प्रशासन इन नेताओं के गिरेबान पर हाथ डालने पर असमर्थ और लाचार दिख रहा है। युवाओं ने महाराजपुर थाना प्रभारी से आग्रह किया कि जल्द से जल्द अवैध शराब के ठिकानों को बंद किया जाए, अन्यथा हमें आगे आकर इन सब के चेहरों के ऊपर से नकाब उतारना पड़ेगा, ताकि पवित्र नगरी मंडला के लोग चैन की नींद सो सकें। रीवा इंडिया न्यूज़ के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.rivaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।